सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 14 में। और ये जो दुआ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेहतरीन आयत, यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि जैसे कोई कि एक आदमी जो प्यासा है और वो पानी के पास जाए और दोनों हाथ फैलाकर पानी से कहे कि तू मेरे मुंह में आ जा, अल्लाह ने कुरान में मिसाल बयान की, तो वो उसके मुंह में वो पानी आएगा नहीं, वो सिर्फ नदी के किनारे जाकर खड़ा हो जाए और पानी से कहे कि तू मेरे मुंह में आ जा, तो पानी आएगा नहीं। तो पानी को लेना होगा, कुछ करना होगा यानी, तब वो पानी उसके पास में आएगा, उसकी प्यास बुझेगी, या तो उसको बर्तन में ले या हाथ में ले तब प्यास बुझेगी। तो अल्लाह का कानून है, उस पर अमल नहीं कर रहे आप, जो बताया कि तुमको ये कोशिश करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे ये मांगना पड़ेगा, तुम्हें मेरी किताब पर यकीन करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आखिरी अथॉरिटी, आखिरी फैसला तुमको कुरान से को सौंपना होगा और इससे तुमको जवाब तलब करना होगा, वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हाथ उठा रहे अल्लाह से कि अल्लाह तू सुन ले। तो वही मिसाल अल्लाह ने दी कि वो तो फिर ऐसी मिसाल है कि वो पानी के पास जाके खड़ा हो गया और कह पानी तू मेरे मुँह में आ जा, कभी नहीं आएगा। तो अल्लाह ने जो कानून बताया है उसके मुताबिक अमल करेंगे और उसके बाद कोशिश करने के बाद में दुआ करेंगे तो वो फजल भी साथ में होगा, तब उसकी वो दुआ कबूल होगी। तो कोशिश के साथ में उसको पुकारना है, और खाली पुकारना वो बेकार है, फिर पुकारना तो खाली पुकारना किसी काम का नहीं। क्योंकि पुकारा हम दो वाक़यात आपको बताऊँ मैं हिंदुस्तान यहाँ के मुसलमानों के, 1967 के अंदर जब मस्जिद अक्सा जब छीन ली गई मुसलमानों से, ऐसा कोई मुसलमान नहीं था उस वक्त के दौर के अंदर, आज तो खैर लोगों को मालूम भी नहीं, हिस्ट्री भी नहीं जानते उस कि हमारी थी भी कि नहीं, ये भी नहीं पता आज तो लोगों को, लेकिन जब छीनी गई ऐसी कोई मस्जिद नहीं होगी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ से दुआएं नहीं की गई हो। काबे के अंदर लोगों ने गिलाफ से लिपट लिपट के उस आंसुओं से उसके जो है गिलाफ को तर कर दिया, लोगों ने आंसुओं से भिगा दिया, इतनी दुआएं की गई कि हमसे ना छीन ली जाए, मुसलमानों के पास में रहे, लेकिन उसके बाद भी वो दुआ नहीं सुनी गई, रद्द कर दी गई। दूसरा मसला हमारे हिंदुस्तान का है, बाबरी मस्जिद का, सारे मुसलमान, और इसके अंदर ऐसा कोई मुसलमान नहीं था जो ईमान के निचले से निचले दर्जे का हो और ईमान से आला दर्जे का हो, तो काबा से लेके मदीना, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसके लिए दुआ कर रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि वो फिर वो दुआ कबूल हुई नहीं हुई, वो मस्जिद फिर भी शहीद कर दी गई। लेकिन यह है कि उसकी कोशिश की, उस वक्त भी इतनी दुआएं की मुसलमानों ने, सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, लेकिन दुआ रद्द हो गई। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ दुआ कर रहे थे, आपने कोशिश नहीं की, अमल नहीं किया, सिर्फ दुआ पे टिके हो, आपने अमल ही नहीं किया, आप उसको कहीं पर भी नहीं लगे। और यहाँ जब वो मसला हुआ था तो यहाँ पर हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ, उस टाइम हिंदुस्तान के अंदर कई सांसद मुसलमान थे बड़ी तादाद में, और कई सांसद जो है जो वो थे विधायक थे, कई पार्षद थे। अगर ये सिर्फ एक साथ अगर अपने आप सब छोड़ देते, सब इकट्ठा हो जाते कि हम सब जो हमारा सब छोड़ देंगे, एक पद भी हम नहीं लेंगे, तो पूरी दुनिया हिल जाती, हिंदुस्तान की बात तो छोड़े आप, वही के वही जो वहाँ कांड हुआ था गुजरात के अंदर, वहाँ पर भी होता, गैर मुस्लिम उसके अंदर उन्हें अवार्ड वापस कर दिए जिनको जो दिए गए थे, कई सेना के अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने अपने जो है मेडल लौटा दिए, लेकिन मुसलमान उसके अंदर एक भी आगे नहीं बढ़ा, अगर वो छोड़ देते तो पूरी दुनिया हिल जाती। तो असल ये है कि मुसलमान लालची हो चुका, और वो सिर्फ लालच में फिर वो दुआ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जखीरे बना बना कर सब कर रहे हैं, तो वो दुआ कबूल नहीं होती। तो ये हम देख चुके हैं, तो सिर्फ कोशिश करना जरूरी है, उसके साथ में फिर वो दुआ कबूल होती है, नहीं तो फिर वो पुकारना बेकार है। तो कोशिश ना करे और हाथ उठाकर मांगता रहे और सोचे तो फिर वो कि फिर वो आखिरत में इकट्ठा होता रहेगा, तो वो नहीं होगा। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो दुआ कबूल नहीं होती तो फिर वो आखिरत का जखीरा बना के रख दी जाती है। तो अगर वो सिर्फ पुकार रहा है, कोशिश नहीं कर रहा, तो उसका कोई जखीरा नहीं बनेगा, वो गलतफहमी में जा रहा है वहाँ पे कि मैंने बहुत सारा पुकार लिया, रब को पुकारता हूँ रात दिन, वहाँ कम से कम इकट्ठा हो जाए या नहीं मिल रहा, बगैर कोशिश के वहाँ भी इकट्ठा नहीं होगा, कोशिश के साथ में, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अंदर ये वसूल ये बता दिया गया। और कोशिश के बाद में भी ऐसे मरहले होते हैं कि भी क्या कोशिश करें और फिर दुआ करें तो क्या फिर दुआ कबूल हो जाएगी, फिर गारंटी है क्या कि फिर हमारी दुआ कबूल हो जाए? तो यह है कि ऐसे मरहले भी होते हैं कि हम कोशिश करें लेकिन पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होता है उसका। हमने पूरी कोशिश की, एक आदमी ने खेती के लिए जब बीज बोना था तब बोया, जब पानी देना था जब पानी दिया, जब उसके अंदर खाद डालनी थी तब उसमें खाद डाली, पूरी उसने उसकी हिफाजत की, सब उसने किया, लेकिन उसके बाद में जैसी फसल पकने लगी और फिर जोर की बारिश हो गई, अब ये उसके इख्तियार भी नहीं था, दुआ भी कर रहा था, मेहनत भी पूरी की थी, लेकिन ये मसलियत है अल्लाह के हाथ में, बर्बाद हो गई उसकी फसल।
या उसने सब कर दिया, बीज बो के बैठा हुआ कि बस बारिश आएगी और ये कोपले फूट जाएंगे, बारिश ही नहीं हुई, उसका बीज ऐसे खत्म हो गया अंदर, तो वो अल्लाह के हाथ में उसका रिजल्ट, तो उसका कंट्रोल, तो उसके कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है। तो उसको ये कि कोशिश तो करना है, पूरी पूरी कोशिश करना है, साथ में अल्लाह का फजल भी चाहिए, तो कोई चीज़ उसकी कबूल होगी और वो उस पर अमल कर सकता है।